सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी 2003 का पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन को, यानी कि 20 क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, पिछले 12 सालों के यूपी टीजीटी के सॉल्यूशंस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। कंप्लीट कोर्स भी हमने करवाया है, कई चैप्टर्स करवाए हैं, प्लेलिस्ट विजिट करें, हो सकता है कि आपकी तैयारी में एक नए चार चांद लग जाए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि एक अवकल समीकरण हमको दिया गया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। यह डिफरेंशियल इक्वेशन है 2i साइन एक्स डिवाइडेड एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स। अब देखिए, हमें अगर dy dx वाले फॉर्मेट में अगर इसे बनाना है, dy dx है ना, dy dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले साइन एक्स का डिवाइड कर दो सभी में, साइन एक्स का डिवीजन करेंगे सभी में तो ये आ जाएगा 2y dy dx इज इक्वल टू, हम इसको चाहते हैं इधर ले आए, ये आ जाएगा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर। देखो कॉस एक्स है, डिवाइड में जाएगा साइन एक्स तो ये कॉट एक्स बन जाएगा, ये कॉट एक्स हो गया, इज इक्वल टू इधर साइन कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 2 कॉस एक्स। अच्छा ये हो गया। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन यहां पे दिया गया, तो हम अगर वाई स्क्वायर को वी मान लें, है ना, वाई स्क्वायर को क्या मान लें, वी मान लें, मान लीजिए यहां पे माना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी, माना y स्क्वायर इक्वल टू v, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy dx इज इक्वल टू हो जाएगा dv dx, यानी कि जहां पे 2y dy dx है वहां पे हम dv dx रख सकते हैं, तो रख दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा dv dx प्लस y स्क्वायर की जगह पे हमें क्या रखना है, v रखना है, और ये है हमारा cot x इक्वल टू, ये दिया गया है 2 cos x, है ना। हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या होगा भाई, इसकी तुलना करिए dv dx की, तो ये देखो ये हमारा y हो जाएगा एक तरह से, ये p का वैल्यू ये हो जाएगा, तो ये e की पावर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cot x और dx, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x, है ना, तो e की पावर में हो जाएगा log sin x बेस e, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, e की पावर में लिया है log ही दिया है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिर्फ यहां पे आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका हल क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा v इंटू if कितना दिया गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x दिया गया है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिएगा if रख दीजिए इनटू 2 cos x, है ना, q का वैल्यू देखो 2 cos x है, 2 cos x और ये dx, अगर हम यहां पे sin x को t मान लें तो cos x dx dt के साथ चला जाएगा और t का जो डिफरेंशिएशन होगा, है ना, 2 करो बाहर, t स्क्वायर बाई 2 होगा, t स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, t की वैल्यू पुनः रख दी जाए sin स्क्वायर x हो जाएगा, यानी कि y की जगह पे अब रख दें हम, ये प्लस सी भी हो जाएगा यहां पे, है ना, ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा साहब साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। यहां पे हमसे कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, वाई इज इक्वल टू 1 रखने पर सी का मान पहले निकाल लीजिए, तो भाई वाई की जगह पे 1 रखो, साइन पाई बाई टू का मान कितना हो जाएगा 1 into 1, यानी कि 1 आ जाएगा इक्वल टू, इधर भी 1 आ जाएगा, एक्स की जगह पे हमें 90 रखना है, वाई की जगह पे 1 रखना है, रख दिया हमने प्लस सी, कटेगा तो सी का मान तो आ जाएगा 0, सी का मान कितना आ गया 0, सी का मान उठा के यहीं रख दीजिए फिर से, तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर
साइन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन एक्स से स्क्वायर वाला कट जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 21 का जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 22 है ना, 22 क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 में कह रहा है कि एक वेक्टर बी दिया गया है, इज बी रिटन एज द सम ऑफ अ वेक्टर अल्फा पैरेलल टू ये। यहां पे एक बात और हमको दे दी गई है कि जो अल्फा है वो क्या है, वेक्टर अल्फा जो है वो पैरेलल है किसके, वेक्टर ए के। दैट मींस इसका मतलब ये है कि अल्फा बराबर हो जाएगा कितना, लैम्डा ए, है ना भाई। पैरेलल होने का मतलब क्या होता है कि कोई एक गुणांक ले लेते हैं और दोनों इक्वल कर देते हैं, तो लैम्डा हमने ले लिया उसकी जगह पे, ठीक है। और ए कितना दिया गया, आई प्लस जे, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा बराबर लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे। अच्छा, जो कह रहा है जो बी है यानी कि 3j प्लस 4k इज बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर अल्फा, ठीक है, ये यहां तक इसके पैरेलल एंड अ वेक्टर बीटा, मतलब बी को अल्फा और बीटा के सम के रूप में लिखा गया है, यानी कि बी इज इक्वल टू लिखा गया है क्या, अल्फा प्लस बीटा लिखा गया है। अच्छा, बीटा जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए पर। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर बीटा इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, दैट मींस कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी जब परपेंडिकुलर होते हैं तो वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि दोनों के एंगल के बीच, दोनों के बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, और ए डॉट बी इक्वल टू होता है बी कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो ए डॉट बी हो जाएगा जीरो हो जाता है। वो हम करेंगे अभी, यहां समझ लिया जाए पहले, यहां से हम बीटा निकाल लें क्योंकि हमें बीटा और ए, ए तो पता है, ए तो पता है, है ना। हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। अल्फा को पाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो बी का मान रख दो, यहां से बीटा निकाल लो, फिर बीटा इंटू ए के साथ प्रोडक्ट कर देंगे, फिर अल्फा हमारा खुद ही अपने आप कूदते फानते निकल के आएगा, चलेगा। यहां पे हमने अल्फा बना भी लिया, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे, हमको सिर्फ लैम्डा की वैल्यू मिल जाए, काम अपना आसान हो गया। बी निकालिए, यहां पे बी कितना दिया गया है, 3j प्लस 4k इक्वल टू, अल्फा कितना दिया गया, अल्फा दिया गया लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे प्लस बीटा। अच्छा, अगर हम यहां से बीटा बराबर निकालना चाहें, वेक्टर बीटा निकालना चाहें, है ना, वेक्टर अल्फा है, वेक्टर बी है, वेक्टर बीटा है, ये भी वेक्टर बीटा है, ठीक है। अगर हम यहां से वेक्टर बीटा निकालना चाहें तो इधर आके घट जाएगा ये, है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस का लेमडा आई प्लस जे, अगर हम कॉमन लेंगे तो 3 माइनस का लेमडा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा साहब 4k, ये इधर गए हैं, है ना, अपनी जगह पे है सब, कोई दिक्कत नहीं, बीटा मिल गया। अब चूंकि प्रश्न में क्या कहा है कि बीटा परपेंडिकुलर टू ए, ये देखिए यहां पे कह रहा है कि पैरेलल टू ए एंड अल्फा पे, यानी कि अल्फा और बीटा, कह रहा है कि वेक्टर बीटा परपेंडिकुलर टू ए, मतलब कि वेक्टर बीटा जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, वेक्टर ए पे। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बीटा इज इक्वल टू जीरो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। ए कितना दिया गया हमें, आई प्लस जे इंटू वेक्टर बीटा कितना दिया गया है आपके सामने है, है ना, कितना दिया गया है, ये दिया गया माइनस का लेमडा आई, ठीक है। अच्छा, माइनस का लेमडा आई, प्लस का दिया गया है जे इंटू 3 माइनस लेमडा, प्लस का है 4k और इक्वल टू में है जीरो। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, आई आई के साथ, जे का जे के साथ मल्टी प्रोडक्ट कर लीजिए, क्योंकि k तो है ही नहीं तो उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, माइनस का लेमडा हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का लेमडा हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा जीरो, है ना। 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 लेमडा, माइनस के रहेंगे इधर ले जाओ, यानी कि यहां से हमको मिल गया लेमडा इज इक्वल टू कितना, 3/2। अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू हमें दिया गया है कितना, देखो लेमडा ए, लेमडा ए, ए का वैल्यू हमारे पास पहले से ही पता है, आई प्लस जे, लेमडा का वैल्यू रख दीजिए 3/2 आई प्लस जे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यहां पे आपको क्लिक कर रहा है, ऑप्शन ए, है ना, 22 का ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलेगा, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कहा गया कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एक ही तल में है, यानी कि ए बी सी आर सेम प्लेन या कोप्लेनर है तो पी की वैल्यू। अब आपको पता है कि जब भी अगर ये सेम प्लेन में होते हैं तो इनके जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, जब वेक्टर फॉर्म में दिए होते हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ऐसे गुणांक रखते हैं, वेक्टर ए के गुणांक रखिए 1 और ये साहब माइनस 1 है, ये भी 1 है, बी के पास चलेंगे 1 है, ये 2 है, ये माइनस 1 है, सी के पास चलेंगे 3 है, पी है, 5 है और ये आएगा इक्वल में 0, 1 आ जाएगा इनटू ये छूटेगा, ये छूटेगा, 10 प्लस पी फिर प्लस का 1 हो जाएगा, ये चूंकि ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस वहाँ पहले से है ना, ठीक है, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 प्लस 3 का मतलब 8 हो गया, प्लस 1 ये छूटेगा, ये छूटेगा, p माइनस का 6 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10 प्लस p प्लस 8 प्लस p माइनस 6 इक्वल टू 0, घटा देंगे 12 बचेंगे, ये तो 2p इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, p इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 का बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि मान लो अल्फा बीटा गामा असमान वास्तविक संख्याएं हैं। अच्छा, तो बिंदु दिए गए हैं अल्फा बीटा, ये 3 बिंदु दिए गए हैं, बिंदु एक है, बिंदु बी दो, तीसरा बिंदु ये है, कह रहा है ये समतली हैं, कि ये एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये मीन्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं या स्केलेन ट्रायंगल बनाते हैं या फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये दिखाना है। तो देखिएगा, पहली सिंपल सी बात है, जब भी हमें निकालना होगा समतली के लिए हमें ये चेक करना होगा कि इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो जीरो है कि नहीं, ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा, तो इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो जीरो नहीं आएगा, है ना, बॉक्स प्रोडक्ट इनका जीरो नहीं आएगा, ये कर लीजिएगा, मैं वेरीफाई किया हूं, मैं उसे नहीं दिखाना चाहता हूं, हम सिर्फ चेक करने जा रहे हैं, 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, वो किस प्रकार का ट्राइंगल बनाएंगे ये हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट हमको दिए गए अल्फा बीटा गामा, और एक पॉइंट बी है, बी के कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं कितने, बीटा गामा अल्फा, और एक पॉइंट सी है, सी के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो अल्फा, नहीं यो दिए गए गामा, गामा अल्फा और बीटा। हम यहाँ पे सभी भुजाओं को निकालेंगे, ए बी बराबर निकालोगे तो रूट में आ जाएगा कितना, x2 - x1² + y2 - y1² + z2 - z1² तो कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये आ गया ए बी। बी सी निकाला जाए, बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वही आएगा बीटा माइनस गामा का स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। सी ए देख लिया जाए, सी और ए के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अरे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर फिर बीटा माइनस गामा का स्क्वायर। अब हम एक बात तो देख रहे हैं, अब देखिए सभी टर्म अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ भी है और प्लस में है, मजे की बात, कोई दिक्कत नहीं। बीटा माइनस गामा का स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं। गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर यहाँ भी है सबकी जगह पे सभी पद हैं, उनका स्क्वायर भी दिया गया है, बस क्रम से नहीं लिखे हैं ना, कोई लिखने की जरूरत भी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये सभी बराबर हैं, इनकी जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो सभी क्या है, बराबर है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ए बी, बी सी और सी ए, है ना, इस त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, और जिस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 का ऑप्शन सही हो जाएगा साहब, बी, यहां पे बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, 25 की तरफ, है ना, देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक वेक्टर दिया गया आई प्लस जे प्लस के और सदिशों फलाने और फलाने के योगफल के समांतर इकाई सदिश। तो पहले इनका तो आप योग निकालो, पहले तो एक वेक्टर मान लीजिए जो इनके योगफल को दिखाएगा। तो ये कौन कौन से दिए गए हैं, 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस bi प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। यही तो कह रहा है कि यदि सदिशों इतने और इतने के योग के समांतर, योगफल के समांतर इकाई सदिश, तो पहले हम योगफल निकालें, फिर इनका हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। समांतर वेक्टर ही निकल के आता है ना, तो हमें यहां यूनिट वेक्टर निकालना है। तो निकालेंगे भाई, समझिएगा, है ना। तो देखिए यहां पे अगर हम थोड़ा सा काम करें, वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा, आई ले लो कॉमन, तो ये आ जाएगा 2 प्लस बी, जे देखो 4j 2j, प्लस कितना हो जाएगा ये 6j, माइनस का 2k, है ना। अब हम आर और x का हम निकाल रहे हैं, r इकाई सदिश है ना, यूनिट वेक्टर r निकाल लो। तो किसी भी वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो कैसे निकाला जाता है, ये होता है वेक्टर बटे वेक्टर का मापांक, है ना, वेक्टर का मॉडुलस, वेक्टर में वेक्टर के मॉडुलस से भाग दे देते हैं, उसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। कितना आ गया ये, i प्लस, अरे ब्रैकेट में इनटू में है इसके साथ i के, 2 प्लस बी प्लस 6j माइनस का 2k डिवाइडेड बाई रूट, कितना इसके गुणांक का स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि जो ये यूनिट वेक्टर निकल के आया है और ये दिया गया है एक वेक्टर i प्लस j प्लस k, इन दोनों का जब हम अदिश गुणन करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या आता है, 1 आता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k के साथ जब यूनिट वेक्टर r को मल्टीप्लाई किया, मींस का प्रोडक्ट निकाला जाता है, डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है, अदिश गुणन निकाला जाता है, तो ये 1 के बराबर है, ठीक है। हम देखो r आपके सामने आ रखा है, हम वहीं पे सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, i का i के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस बी आएगा, जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 आएगा, और ये माइनस का 2 आएगा, और डिवाइड में हमारे पास रहेगा रूट का, कितना ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4b, है ना, बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4 प्लस 4 36 4 40 44 हो जाएंगे, ये 44 हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा साहब, 1। इस 2 से 2 काट दीजिए, यानी कि b प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा रूट बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 44, है ना, दो तरफ वर्ग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12b इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 44। बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से काट दीजिए, अब 36 को उधर घटा देंगे, जाके 12b में 4b घटाएंगे तो साहब इधर 8b आ जाएगा, इज इक्वल टू 44 में 36 घटाएंगे 8 आएगा, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/8, यानी कि 1 वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 1। 25 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, चलेगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा गया कि यदि सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, 3 वेक्टर दिए गए, वेक्टर ए बी सी के तल में स्थित है। अच्छा, सदिश ए बी और सी के तल में स्थित है। अब देखो, जब बी और सी तो पहले से एक तल में है और ए भी वहीं आ गया, मतलब कि ए बी सी आर कोप्लेनर, है ना, ए बी सी लाइज इन सेम प्लेन, है ना, ए बी सी जो है कहां पे लाई कर रही हैं, सेम प्लेन में लाई कर रही हैं। और आपको अभी अभी जस्ट बताया कि जब भी 3 वेक्टर सेम प्लेन में लाई करेंगे तो उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 0 होता है, है ना, ये क्या हो जाएगा, इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। तो इसको और किस फॉर्म में लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि ए बी सी आर कोप्लेनर, यानी कि ए बी सी जो है वो सेम प्लेन में है, एक ही तल में है,
समतली हैं तो क्या होगा, जीरो। कौन सा ऑप्शन सही है? 26 का ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे 27 में हमको एक टेट्राहाइड्रॉन दिया गया है, है ना, चतुष्फलक। कह रहा एक चतुष्फलक, एक टेट्राहाइड्रॉन के शीर्ष इतने 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 दिए हैं। एक काम करते हैं, फिगर बनाते हैं पहले। ये हमारे एक्सिस हैं 3D के, यहां पे एक्स अक्ष है और ये है साहब वाई अक्ष और ये है जेड अक्ष। यहां पे हमारे पास एक पॉइंट ओ है जिसके निर्देशांक दिए हैं 0, 0, 0, है ना, ओरिजिन। इसके बाद एक पॉइंट हमें यहां पे लेना है ए, इसको हमने ए पे ले लिया है ना, 1, 2, 1 और एक पॉइंट बी यहां पे ले लीजिए, ये दिया गया है 2, 1, 3 और एक पॉइंट यहां पे सी ले लीजिए, सी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं माइनस का 1 और 1, 2। ठीक है, ये सी हो गया, सबको मिला लीजिए, टेट्राहाइड्रॉन हमारे सामने आ जाएगा, ये आ गया। ये टेट्राहाइड्रॉन है जिसमें हमसे पूछा है कि तो फलकों ओ ए बी, एक फलक है इसकी ये ओ ए बी, ये ओ है, ये वाली फलक और फलक ए बी सी के बीच का कोण निकालना है। तो देखिए, जब भी कभी हमें टेट्राहाइड्रॉन यानी कि चतुष्फलक में क्वेश्चन आएगा तो दो फलकों के बीच का जो एंगल होता है उनके लंबों के बीच के एंगल के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इस फलक का लंब वेक्टर निकालेंगे यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, है ना। तो हम सतह ए बी सी का नॉर्मल, सतह ए ओ बी या ओ ए बी, हम मान लेते हैं कि सतह ओ ए बी का जो नॉर्मल वेक्टर है वो एन वन है, ठीक है। एन वन निकलेगा कैसे, हम इसे निकालेंगे ए ओ क्रॉस ओ बी, है ना, ओ ए क्रॉस ओ बी से निकल जाएगा, ये एन वन है। एन वन क्या है, सतह ओ ए बी का नॉर्मल वेक्टर है यानी कि लंब सदिश है, ओ ए ओ बी, ठीक है। चूंकि ओरिजिन ओ है तो इसलिए ओ ए ओ बी कितने हो जाएंगे, सेम वही बन जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएगा आई प्लस टू जे प्लस के और साथ में क्रॉस है ओ बी, तो कितना आ जाएगा ये 2i प्लस जे प्लस 3k। एन वन निकालिएगा, एन वन वेक्टर एन वन इक्वल टू जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 5i माइनस जे माइनस 3k, ठीक है, ये निकल के आएगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया जाएगा। फिर इसके बाद हम मान लेते हैं कि जो सतह हमारी ए बी सी है, जो सरफेस ए बी सी है, उसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो एन टू है, एन टू है, है ना। तो उसे हम निकाल सकते हैं ए बी क्रॉस ए सी से, ए बी क्रॉस ए सी, एन टू क्या है, सतह ए बी सी का नॉर्मल वेक्टर है यानी कि लंब सदिश है, निकालिए, क्योंकि दोनों सदिश, दोनों फलकों के बीच जो एंगल होगा वही सेम एंगल होता है, दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच के एंगल के बराबर होता है, दोनों बराबर होते हैं, तो हम एन1 एन2 निकालेंगे, एन1 एन2 के बीच का एंगल निकाल लेंगे, वही इन दोनों सतहों के बीच का एंगल हो जाएगा। तो ए बी क्रॉस ए बी, बी माइनस ए, तो बी कहां पे हमारे पास, ये है बी में ए को घटा दो तो आई माइनस जे प्लस 2k, है ना, आई माइनस का जे प्लस का 2k क्रॉस ए सी, तो सी माइनस ए, सी में ए को घटाएंगे तो ये हो जाएगा सी माइनस ए, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3i, फिर ये दिया गया है सी वन है और एक मिनट, सी वन है, 1 दिया गया है और ये ए जो बी जो दिया गया है वो 2, सी ए चाहिए ना, तो ए तो यहाँ पे है ना, तो कितना आ जाएगा, गलत कर रहे थे हम, बी को लिख रहे थे ना, ठीक है, सी माइनस ए, तो -1, -1, तो ये माइनस का 2i हो जाएगा, माइनस का 2i हो जाएगा, फिर सी माइनस ए, 1 माइनस का 2, तो माइनस का j हो जाएगा, माइनस का j हो गया, फिर
सी माइनस ए टू माइनस वन कितना हो जाएगा प्लस का के हो जाएगा। इन दोनों का हमें प्रोडक्ट निकालना है ना। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो आएगा आई माइनस का पाँच जे, ये आप निकालिएगा माइनस थ्री के। ठीक है, हमें निकालना है एन वन और एन टू के बीच का कोण। हमें पता है कि दोनों फलकों के बीच का जो कोण होगा, फलकों के बीच का जो कोण होगा वो एन वन और एन टू के बीच के कोण के बराबर होगा, है ना। एन वन और लंबो यानी कि नॉर्मल वेक्टर, एन वन और एन टू के बीच का कोण। तो एन वन और एन टू के बीच का जो कोण निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना वेक्टर एन वन डॉट वेक्टर एन टू, और दोनों का नीचे मॉड से डिवाइड कर देते हैं एन वन और मॉडुलस एन टू। ठीक है, चलिए दोनों को डॉट कर लीजिए भाई, तो आ जाएगा पांच प्लस पांच। ठीक है, आई आई का गुणांक पांच प्लस पांच और प्लस नौ डिवाइडेड बाई देखिएगा रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास कितना, 25 और 9 34 और 1 35, रूट के अंदर आ गया 35। सेम डिजिट यहाँ भी दिए गए हैं 15 और 3, तो ये भी आ जाएगा 35। यानी कि आ चुका है हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 19 बटे 35 35, दोनों रूट के अंदर है, सिर्फ 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा कितना, कॉस इनवर्स 19 बाई 35। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 का ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वेक्टर ए इक्वल टू इतना मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द वेक्टर बी। अब देखिए ए और बी के बीच एक्यूट एंगल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हो गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ए बी कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा जो होता है वो एक्यूट एंगल यानी कि जीरो, 90 से छोटा, जीरो से बड़ा 90 से छोटा के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और इन दोनों की जो प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू आएगी मीन्स इनके दोनों के प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो कर लीजिए ए और बी का प्रोडक्ट पहले निकाल लीजिए। और क्या कह रहा है कि यही ए जो है जब बी के साथ ऑप्टिव एंगल बनाता है, देखो यहां पे न्यून कोण बनाता है, एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण, ऑप्टिव एंगल का मतलब क्या है कि जो ए है वो सी के साथ ऑप्टिव एंगल बनाता है, तो यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ऑप्टिव का मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो ये क्या होगा हमारा लेस देन जीरो होगा। वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा की, वहां पे निगेटिव हो जाएगी, 90 से बड़े और 180 से छोटे एंगल के लिए कॉस थीटा निगेटिव होगा, यानी कि ए और डॉट सी की जो वैल्यू होगी के प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन जीरो हो जाएगी। तो हम पहले इसकी बात करते हैं इन दोनों की, तो एक्स एक्स का गुणांक गुणांक का गुणा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये साहब माइनस का एक्स हो जाएगा और फिर माइनस का दो हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक फैक्टर आ जाएगा इसका कितना एक्स प्लस वन आ जाएगा, दूसरा फैक्टर आ जाएगा एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। इसके साथ चलेंगे ए और सी के बीच का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 12 लेस देन जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 12 इक्वल टू सॉरी लेस देन जीरो। यहाँ से x लेंगे कॉमन, x माइनस 4 आएगा प्लस का 3 लेंगे कॉमन, तो x माइनस 4 आएगा लेस देन जीरो। ठीक है, यानी कि दो फैक्टर यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, एक आ जाएगा x माइनस 4 और एक आ जाएगा x प्लस 3 लेस देन जीरो। ठीक है, अच्छा अगर हम इनके लिए बात करें, देखिएगा बात करें तो हमें यहां पे दो पॉइंट मिलेंगे, एक क्या मिल जाएगा माइनस का वन, तो माइनस का वन तो हमारा माइनस का वन, तो ये साहब माइनस का वन हो जाएगा और ये टू हो जाएगा। अच्छा हम वेरीफाई करते हैं थोड़ा सा इनके साइन के लिए, देखिए अगर हम यहां पे माइनस टू रख दें तो माइनस टू यानी कि माइनस वन बनेगा और माइनस का फोर, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर देन जीरो आएगा, मतलब इधर की जो वैल्यू होगी वो प्लस की रहेगी, इधर की वैल्यू कितनी होगी प्लस की रहेगी,
माइनस वन पे ट्राई कर लीजिए, जीरो आएगा, जीरो ग्रेटर देन जीरो तो नहीं होता, तो माइनस वन नहीं लिया जाएगा, माइनस वन नहीं लिया जाएगा, मतलब इधर की वैल्यू, इधर की वैल्यू क्या होगी हमारी, प्लस की होगी, यानी कि ये वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, एक मिनट, इसके बाद इन दोनों के बीच में जीरो रख के देख लो, जीरो रखेंगे तो माइनस टू आएगा, ग्रेटर देन होगा नहीं तो ये जीरो नहीं लेंगे, टू पे रख के देख लो तो जीरो आएगा, जीरो लेस देन जीरो, जीरो बराबर ही होते हैं ना, ग्रेटर थोड़ी होता है, तो टू भी नहीं लेंगे। थ्री रख के देख लीजिए तो चार आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि इधर की वैल्यू भी लेंगे, टू को छोड़ के इधर की भी वैल्यू लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ आ जाइए, यानी कि ये हमारे पास नेगेटिव आ रहा था और ये पॉजिटिव आ रहा है, हमें पॉजिटिव वाला चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला हो गया, इधर का भी लेंगे इधर का भी लेंगे, इसके साथ आगे बढ़ेंगे। देखो माइनस का चार आया और ये माइनस का चार वाला, ये माइनस का तीन बन जाएगा और ये चार बन जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा एक वैल्यू माइनस का चार रख के देख लीजिए, तो माइनस का चार आ जाएगा, ये माइनस 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 का आठ आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का आठ, यानी कि इधर की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना, कितनी आएगी इधर की वैल्यू, रखिए एक मिनट, माइनस का चार रख के देखिए, माइनस का आठ और माइनस का एक दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की, इधर की वैल्यू हमारी किसकी आएगी, प्लस की आएगी, लेकिन हमें चाहिए कौन सी, नेगेटिव वाली। तीन के रख के देख लो, तीन का जीरो आएगा तो उसका ये भी नहीं रखा जाएगा और ये भी नहीं रखा जाएगा। ठीक है, चार भी रखेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, तो इन दोनों पे नहीं होगा। इन दोनों के बीच की एक वैल्यू जीरो रख के देख लिया जाए तो माइनस का बारह आ जाएगा, लेस देन है, है ना, तो मतलब कि हमें सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, ये क्या चाहिए, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वाला हमको चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए, है ना, ये वाला चाहिए। अच्छा पाँच रख के देख लिया जाए, एक और आठ, नहीं इधर का नहीं चाहिए, है ना, इधर की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, हमें ये सिर्फ नेगेटिव वाला चाहिए। ठीक है, चलिए सभी को कंबाइंड कर लिया जाए, यूनियन, दोनों का यूनियन ही तो होगा इसका आंसर। ठीक है, तो कौन कौन आया है, यहाँ पे आया है माइनस तीन, माइनस एक, दो और चार, चार भी नहीं चाहिए, दो भी नहीं चाहिए, माइनस एक भी नहीं चाहिए और तीन भी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा यानी कि एक तो हमें तीन से चार चाहिए। ठीक है, फिर माइनस वन, टू, ठीक है, खत्म कहानी। अब इनको लिख लीजिए, तो इसे लिखेंगे जो हमारा एक्स होगा वो बिलोंग्स करेगा कहाँ पे, क्लोज इंटरवल, है ना, सॉरी क्या कहते हैं इसे, ओपन इंटरवल, माइनस तीन कोमा माइनस वन। ठीक है, यूनियन, और क्या है ये, क्लोज इंटरवल टू कोमा फोर, है ना, इसे लिखने का दूसरा तरीका भी है हमारे पास, माइनस का थ्री कोमा माइनस वन, यूनियन, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारा ओपन इंटरवल ही है, ओपन इंटरवल टू कोमा फोर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन हमें सी वाला दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया गया है कि log 3 बेस a इक्वल टू 2। अब देखिए हमें वैल्यू निकालनी है log b बाई a, और इसको हम ये क्या लिख सकते हैं, log b बेस a को हम लिख सकते हैं log b बाई log a, हमें ये वैल्यू चाहिए। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाएं तो देखिएगा, ये दिया गया है, इसका मतलब है log 3 डिवाइडेड बाई log a इक्वल टू कितना, 2। यहां से अगर हम log a में निकालना चाहें तो देखिएगा, यहां से log a निकल के आएगा, log a इक्वल टू 2 डिवाइड में चला जाएगा, एक तो ये log 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहां पे आ जाओ, log 8, log 8 डिवाइडेड बाई log b इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा अगर हम log b यहां से निकालना चाहें, log b इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है log 8, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, तो ये 3 log 2 हो जाएगा, 3 log 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 काट दीजिए, log b बराबर log 2 आ गया है। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए, log a भी पता है हमको और log b भी पता है, दोनों पता है, और हमारा सौभाग्य है कि हमें दोनों पता है, है ना, log b कहां पे है, ये log 2 आया है, log 2 डिवाइडेड बाई log a, ये आया है log 3 बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा log 2 की पावर 2, है ना भाई, हमें पता है कि n log m क्या होता है, log m की पावर n, तो ये पावर उसकी पावर चली जाएगी ऊपर, ये आ जाएगा log 3, ऊपर हो गया log 4 बाई log 3, पुनः उसके मूल रूप में उसे वापस कर दिया जाए तो ये आ जाएगा log 4 बेस 3, log 4 बेस 3, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा, है ना। 29 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में ए इक्वल टू हमें निकालना है, क्या होगा अब देखिएगा। ए हमें यहां पे दिया गया है, वैल्यू आपके सामने है, ए इक्वल टू दिया है लॉग टू, है ना, लॉग टू बेस में है, यहां नंबर के रूप में लिखा हुआ है लॉग टू, और इसी के साथ में फिर से ये है लॉग फोर और ये है 256, लॉग 256 बेस 4 है, प्लस 2 और ये है लॉग 2 और ये है रूट 2। चलिए एक बात आपको बता दें कि लॉग m की पावर p बेस में हो n की पावर q, है ना, तो ये होता है किसके बराबर होता है भाई, ये ऊपर वाली पावर अंश में आएगी, नीचे वाली पावर हर में आएगी, और log m बेस n ये लिखा जा सकता है। यानी कि अगर हम इसे लिख दें 2 की पावर 1 और इसे कितना लिख दें, रूट है ना, इसे लिख दीजिए 1/2, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि मामला आसान होने वाला है। अब देखिए यहाँ यही सेम काम यहाँ भी करने वाले हैं। 256 को हम लिख सकते हैं, 4 है यहाँ पे, 4 को लिख दीजिए 2 की पावर 2 और 256 को लिखिए 2 की पावर 8। अब देखिए आ जाओ आगे, ये log 2 है और ये log 2 है। अब यहाँ पे देखो ये पावर पहले आएगी अंश में, ऊपर वाली अंश में, नीचे वाली हर में, और यहाँ पे log 2 बेस 2 प्लस सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आएगा बाहर अंश में, बट्टे में आएगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 log 2 बेस 2, ठीक है। अब देखिएगा ये हो जाएगा log 2 बेस में 2 है ना, 2, देखिए 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इधर वाले की वैल्यू 1 हो जाएगी, log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। सेम बेस पे किसी भी नंबर का, वही सेम नंबर और सेम बेस है अगर, तो log की वैल्यू 1 होती है। तो ये 4 हो जाएगा, 4 2 दूनी 4, 2 2 चौको 8, 4 आया, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। अच्छा इधर हमारे पास सिर्फ 4 बचा, अब ये 2 पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा log 2 बेस 2, इसकी वैल्यू 1 हो गई, log 2 बेस 2 जो बचा हमारे पास, प्लस 4, और इसकी वैल्यू भी हो गई 1, प्लस 4 कितना आ गया साहब, ए का वैल्यू आ गया 5। कौन सा ऑप्शन सही है, 30 का ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साहब, क्वेश्चन नंबर 31 लाजवाब क्वेश्चन। देखिएगा यहां पे e की पावर 2x दिया है, हम चाह रहे हैं कि आप दोनों अंश और हर में e की पावर x से डिवाइड कर दीजिए। अंश और हर में अगर आप डिवाइड करेंगे e की पावर x से, तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1/e की पावर x, का मतलब ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे e की पावर x बचेगा, एक e की पावर x से आपने डिवाइड किया है, माइनस e की पावर माइनस x dx। अब आपको क्या करना है, हर को t मान लेना है, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को आप t मानेंगे, तो आएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, देखो माइनस निकल गया है तो इसे प्लस कर देगा, ये dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, यानी कि अंश जो है वो dt के बराबर हो गया, यानी कि इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा dt बटे t, ये आ जाएगा log t, log मॉडुलस t प्लस c, है ना, ये आ जाएगा log t का वैल्यू दिया गया है कितना, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है, प्लस c। कौन सा ऑप्शन सही है साहब, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस दिया गया था ऑप्शन में, तो e की पावर x यानी कि जो वैल्यू आ गई हमारा c 31 में, c वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे 32, क्या बात है लाजवाब। अब देखिए हम यहां पे थोड़ा सा अगर काम करें, देखिए यहां पे हमें पता है कि एक ये e की पावर x fx और fx का यहां पे डिफरेंशिएशन दिया है, ठीक है, तो इसका आंसर e की पावर x साइन हाइपरबोलिक x भी हो सकता है, और अगर हम इसको, क्योंकि हमें साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x के जो डिफरेंशिएशन होते हैं, दोनों साइन हाइपरबोलिक x का होता है कॉस हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x का होता है साइन हाइपरबोलिक x, तो दोनों आंसर में आएंगे, e की पावर x साइन हाइपरबोलिक x आ सकता है, e की पावर x कॉस हाइपरबोलिक x भी आ सकता है, तो साइन वाला दिया नहीं है तो कॉस वाला होगा, ठीक है, बी सही होगा। लेकिन थोड़ी सी बातचीत जो करना जरूरी है यहां पे वो कर लेते हैं। यहां पे देखिएगा हमें पता होना चाहिए
डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, कई बार हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं पता होता, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स की अगर हम बात करें तो वो होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ टैन हाइपरबोलिक एक्स की अगर हम बात करें तो वो होता है सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। यहां तक की कहानी प्लस में चलती है, आगे चलो। डिफरेंशिएशन ऑफ अगर हम बात करते हैं कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स की तो वो होती है माइनस का कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ अगर हम बात करें सेक हाइपरबोलिक एक्स की तो वो भी होती है माइनस का सेक हाइपरबोलिक एक्स और टैन हाइपरबोलिक एक्स। अगर बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस का कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है, अरे हाइपरबोलिक सेक, ठीक है, हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो ये होता है, ये याद होना चाहिए हमको। अब देखिए यहां पे अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, है ना, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, हम चाह रहे हैं कि इसको पहले लिख लिया जाए कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन को भी लिख सकते थे लेकिन साइन वाला ऑप्शन में नहीं दिया इसलिए इसे हम पहले लिख रहे हैं डी एक्स। हमें एक बात पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, है ना, और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर ये दिया जाए कभी भी किसी प्रश्न में, कभी भी अगर किसी प्रश्न में ये दिया जाए, है ना, फंक्शन दिया हो उसका डिफरेंशिएशन प्लस में दिया गया हो तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये होती है। तो यहां सेम काम, ऊपर देखिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन ये दिया गया है यहां पे, यानी कि इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, ई की पावर एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, है ना, इसका जो इंटीग्रेशन होगा ई की पावर एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, और दूसरा भी हो सकता था साइन, लेकिन साइन वाला ऑप्शन में नहीं है, है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया यहां पे 32 में बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33, एक शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, देखिएगा इंटीग्रेशन निकालना है ए रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। एक काम जो हमें करना है, रूट एक्स को हम टी मान लेंगे तुरंत आंख मूंद के, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डी एक्स बाई रूट एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 2dt आ गया, ठीक है। आ जाओ यहां पे इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन 2dt का हमने 2 ले लिया बाहर, dt को चुपचाप रहने दिया, a की पावर t dt, ठीक है, dx बाई रूट एक्स 2dt के बराबर हुआ, 2 हमने कॉमन ले लिया। अब हमें पता है कि ये 2 चुपचाप बाहर रहे और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन जो होगा a की पावर t का, तो a की पावर t हो जाएगा डिवाइडेड बाई log a बेस e प्लस c होता है, t का वैल्यू रख दिया जाए, t का वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू ए की पावर रूट एक्स, है ना। अब इसको ऊपर ले जाओ तो बस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बेस चला जाएगा नंबर की जगह पे, नंबर चली जाएगी बेस की जगह पे, तो ये आ जाएगा log a बेस e, सॉरी log e बेस a प्लस c, है ना, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है 2 2 2, ये डी वाला, है ना, 33 का जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे साहब क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, है ना, तुमसे मुलाकात सनम बहुत बार हुई है, है ना, इंटर से, तो आई इक्वल टू 0 से π/2, 0 से π/2, और ये है डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 plus tan x। इसे एक क्वेश्चन फर्स्ट मान ली जाए, अच्छा हमें क्या करना है, प्रगुण अप्लाई करना है। प्रगुण क्या होता है सभी को पता है, 0 to 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के, रख दीजिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा ये 0 to π/2 और डी एक्स बटे 1 plus cot x, अच्छा 1 plus cot x हो रहा है तो हम इसे 1/tan x लिख देंगे, अरे π/2 माइनस एक्स रखेंगे तो cot x आएगा, हम उस tan x लिख देंगे, अच्छा कैलकुलेट कर लेते हैं 0 से π/2, tan ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद,
और ये 1 प्लस टेन एक्स यहाँ भी बन जाएगा। इक्वेशन टू, समीकरण एक और समीकरण दो को जब भी जोड़ा जाएगा तो 2i इज इक्वल टू, देखो एलसीएम बराबर है दोनों का, 1 प्लस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स, तो वहाँ 1 है और यहाँ टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन एक्स कट जाएगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, तो 0 से पाई बाई 2 और ये 1 dx, 1 dx आपको पता है कितना होता है, ये x होता है और ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 जीरो, 2i है ना, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साहब? डी ऑप्शन 34 का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35, 35 का इंटीग्रेशन करना है, एक बेहतरीन क्वेश्चन और शानदार अंदाज में करिएगा, देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन मैं आपको यही लेके चलूंगा, देखिएगा यही लेके चलूंगा, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के हाफ एंगल के फार्मूले टेन के टर्म में रखे जाए क्योंकि आंसर में हर जगह टेन आ रहा है ना, तो रख दीजिए। अब आपको पता है कि फाइन एक्स का टेन के टर्म में हाफ एंगल का फार्मूला होता है 2 टेन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब हम बात करें अगर कॉस एक्स की, तो इसका टेन के टर्म में हाफ एंगल में फार्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है। रख दिए जाए, रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, एलसीएम आएगा और ये एलसीएम ऊपर जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डीएक्स, एलसीएम को हमने ऊपर ले लिया है, अब नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई 2, जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 एलसीएम है तो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू ये ऊपर अंश के पास चले जाओ, इसके पास तो है ही है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 4 टेन एक्स बाई 2 आ जाएगा, ये प्लस 4 टेन एक्स बाई 2, कॉस एक्स के साथ में क्या है ऊपर अंश से मतलब है, हर तो सेम है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। अब ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अच्छा 1 और 1 मिला के 2 हो जाएंगे, 2 प्लस 4 टेन एक्स बाई 2, नीचे से 2 ले लो कॉमन, तो यह आ जाएगा 1 बाई 2, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 tan x बाई 2। यहां पे काम करना है, मान लेना है, लेट करेंगे क्या, 1 प्लस 2 tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करिए 2 इंटू sec स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में 1 बाई 2 dx इज इक्वल टू dt, 2 से 2 को काट दीजिए, काट दिया तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इज इक्वल टू dt। अच्छा कहने का मतलब sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx की जगह dt रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा dt और ये नीचे वाले को हम t मान चुके हैं, 1 बाई 2 log t हो जाएगा, t का वैल्यू रख दीजिए लगे हाथ, 1 प्लस 2 tan x बाई 2 प्लस c, कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है ना। अच्छा इस 1 बाई 2 का हिसाब किताब मत भूल जाना, वरना तो फिर ऑप्शन ए और सी दोनों में से आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, तो ये 1 बाई 2 कटेगा नहीं, ये चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो ये 2 यहीं से कट जाता है, तो 1 बाई 2 से स्क्वायर एक्स बाई 2 को टी मत मान लेना, है ना, डी टी के साथ मत एडजस्ट कर देना, ये 1 बाई 2 रहेगा। कौन सा ऑप्शन से, ये 35 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 में हमें दिया गया है कि इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अच्छा एक काम करो, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, यानी कि ये माइनस का पाई बाई 2 से कितना पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब आएगा, साइन क्यूब एक्स और ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स और डी एक्स हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस मारो, इंटीग्रेशन माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है ना, माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, कॉस के साथ कॉस क्यूब बना देगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस क्यूब एक्स और ये हो गया डी एक्स, ठीक है। अब हमें एक बात पता है कि जब भी कभी है ना माइनस ए से ए अफेक्स डी एक्स दिया जाए तो हमें चेक करना होता है कि समफलन है या विषमफलन, समफलन और विषमफलन की जगह पर क्या रखते हैं, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखते हैं, और अगर वो माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए है ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखा जाए
और वो माइनस के एफ एक्स के बराबर आ जाए तो ये हमारा विषम फलन होता है, यानी कि ऑड फंक्शन होता है, और इसके जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन अगर एफ एक्स एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखने पे वो एफ एक्स ही रहता है तो इस कंडीशन में ये हमारा इवन फंक्शन होता है, ये सम फलन होता है, और इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी ना वो हो जाती है, लिमिट बन जाएगी जीरो सू ए और टू लेंगे बाहर और ये एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए यहां पे जब भी हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये एफ एक्स है हमारे पास, हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो कॉस की सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉस की सेहत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, साइन के साथ साइन एंगल से माइनस दे देगा और ये विषम फलन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, विषम फलन। और जब विषम फलन आएगा तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। और यहां पे आ जाओ, यहां पे जब हम रखेंगे तो देखिए कॉस तो ऑलरेडी पॉजिटिव देता है एंगल के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, साइन के साथ अगर हम माइनस एक्स रखेंगे तो स्क्वायर लगा हुआ है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये सम फलन है, ये क्या है हमारा, ऑड फंक्शन, और ये कैसा है, ये इवन फंक्शन है। तो ऑड वाला तो जीरो हो गया, इवन वाला बचा है तो टू लेते हैं बाहर में, जीरो से ए कर देते हैं लिमिट, तो जीरो से पाई बाई टू हो जाएगी। और कौन है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को हम तोड़ रहे हैं, कॉस क्यूब को तोड़ रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस एक्स और ये डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू टू इंटू जीरो से पाई बाई टू। साइन स्क्वायर एक्स को चुपचाप रहने दिया जाए, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अच्छा, अब इसे हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को, साइन एक्स को टी मान लेते हैं, साइन एक्स को टी मानेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी के साथ चला जाएगा, है ना, लिमिट कन्वर्ट होके, लिमिट भी तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी, लिमिट कन्वर्ट करो, हम क्या कर रहे हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू टी मान रहे हैं, तो जीरो रखोगे तो लिमिट तो जीरो ही रहेगी, तो ये जीरो ही रहेगी, पाई बाय टू रखोगे वन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू वन माइनस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस टी की पावर फोर, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी की पावर थ्री बाई थ्री, माइनस टी की पावर फोर है तो टी की पावर फाइव बाई फाइव, लिमिट अप्लाई कर दी जाए, टू इंटू वन अप्लाई करोगे तो वन बाई थ्री माइनस वन बाई फाइव, लोअर लिमिट अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सभी जीरो हो जाएंगे, कैलकुलेट कर लीजिए, तो दो गुणे दो बटे पंद्रह, साफ कितने आ गया, चार बटे पंद्रह, कहीं झलक रहे हैं क्या, 36 का बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना, 36 का बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 के साथ। अरे 37 एरिया में निकालना है किसके किसके बीच में, एरिया लाइन बिटवीन द पैराबोला, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, तो एक काम करो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जो ग्राफ होगा सबको पता है ऐसे होगा, ये हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ है और इसका लेटस रेक्टम नाभी जीवा ये हो गई। अच्छा, लेटस रेक्टम इसकी कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a और ये तो हमारा जीरो होगा, जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। अच्छा, हमें एरिया ये वाला चाहिए। अच्छा, हमारे पास दो सिमेट्री बन रही है, एक तो अपर में है एक डाउन में है, जीरो टू a है ना, हम सीधा इसका एरिया अगर निकालना चाहें इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया इक्वल टू टू से मल्टीप्लाई कर दें, एक का निकाल लो दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो से ए वाई डी एक्स, वाई डी एक्स, टू को तो बाहर करो चुपचाप। अब ये वाई यहां से निकालो तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, रूट फोर ए एक्स, तो ये आ जाएगा टू रूट ए रूट एक्स, तो ये आ जाएगा दो दूनी चार रूट ए, इंटीग्रेशन जीरो से ए, रूट एक्स है अंदर, एक्स की पावर एक बटे दो डी एक्स, है ना, यह आ जाएगा चार अंडर रूट ए इंटू एक्स की पावर तीन बटे दो बटे तीन बटे दो, तीन बटे दो का दो बटे तीन लिख दीजिए, और ये एक्स की पावर तीन बटे दो है और ए और ये जीरो, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, आठ, आठ अंडर रूट ए बटे तीन इंटू
इंटू ये कितना आ जाएगा, एक ही पावर तीन बटे दो, जीरो रखने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा लोअर लिमिट अप्लाई करने का, तो एक ही पावर तीन बटे दो। अब देखो एक ही पावर तीन बटे दो और यहाँ पे एक ही पावर एक बटे दो है, दोनों को ऐड करेंगे तो एक बटे दो प्लस तीन बटे दो चार बटे दो, यानी कि एक ही पावर में दो, तो ये आ गया आठ बटे तीन एक ही पावर में दो स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया, 37 का ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 38, कह रहा एरिया बाउंडेड द कर्व, एरिया बाउंडेड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स साइन ए एंड एक्स एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू जीरो टू जीरो पाई, है ना। हमें एरिया निकालना है कहां से, जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई फंक्शन हमारा क्या है x साइन x और ये dx। अब देखिए तोड़ लीजिए, क्योंकि यहां पे जो जीरो से पाई तक होगा वहां पे तो साइन पॉजिटिव होगा, साइन क्या होगा यहां पे पॉजिटिव होगा एक्स साइन एक्स डी एक्स, लेकिन पाई से टू पाई के बीच में जो साइन होगा वो निगेटिव होगा, वो निगेटिव होगा, तो ये कर दीजिए फंक्शन जो होगा ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये पाई से टू पाई, पाई से टू पाई और ये हो गया एक्स साइन एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। अच्छा इसका डिफ्रेंसिएशन कर लिया जाए, इंटीग्रेशन कर लिया जाए एक्स साइन एक्स का, तो एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो भाई, कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट को बाहर करेंगे सेकंड तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन एक्स पहले का वन हो जाएगा और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स है तो कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस का तो अब बाहर वाले को प्लस कर देगा। अच्छा ये कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन इसका आ गया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये हो गया कितना साइन एक्स, साइन एक्स माइनस का एक्स कॉस एक्स जीरो से पाई माइनस, सेम यहां भी साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स जीरो से टू पाई, ठीक है। अपर लिमिट अप्लाई की जाए, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन पाई की वैल्यू होती है जीरो और ये माइनस पाई और कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन, तो ये प्लस का पाई हो जाएगा और आगे रखेंगे तो माइनस का जीरो प्लस का जीरो हो जाएगा, मामला खत्म। आ जाओ इसके पास साइन एक्स, साइन टू पाई, साइन टू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी, है ना। फिर ये हो जाएगा टू पाई, वही ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब हमारे पास माइनस का पाई, माइनस का टू पाई, है ना, माइनस का टू पाई, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस टू पाई की वैल्यू 360, वही कॉस 360 पहले में ही रहेगा, है ना, तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो वो वन हो गया, प्लस का वन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ जीरो के साथ, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, माइनस जीरो प्लस, ये भी कितना हो जाएगा, अरे यहाँ पे टू पाई, जीरो से टू पाई, अरे ये पाई है भाई साहब, पाई है सॉरी लोअर लिमिट में पाई था, तो माइनस साइन पाई की वैल्यू तो हो गई जीरो प्लस, और ये कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी, देखो यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, पहले से माइनस कर रहे हैं, है ना, तो देखिए पहले हमने पाई की रखी, फिर तो ये हो जाएगी हमारे पास माइनस का पाई, क्योंकि उसकी वैल्यू होगी माइनस वन और माइनस वन से उसको माइनस का कर देगा। अच्छा तो यहाँ पे आ गया ये पाई माइनस, अंदर कितना हो गया थ्री पाई माइनस के हैं, और ये कितना आ जाएगा भैया फाइव पाई प्लस थ्री पाई, कितना हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर यूनिट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, 38 का सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, माइनस का थ्री पाई हो जाएगा। चलेंगे 39 की तरफ, 39 कह रहा था एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का जीरो से टू पाई के बीच में निकालना है, है ना। अब देखिए पहले इसका ग्राफ ड्रा कर लीजिए, ये और ये, यहाँ पे हमारा जीरो है, जीरो है और यहाँ पे पाई बाई टू है, फिर है यहाँ पाई और यहाँ पे है थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू और इसके बाद है ये टू पाई,
है ना। इसके बाद है ये हमारा 2 पाई। अच्छा, हमसे क्या कह रहा है कि इसका जो निकालना है, एरिया निकालना है, वो कहाँ तक निकालना है? हमें चाहिए इसका एरिया, यहाँ से cos x है तो इसका ग्राफ यहाँ से जाएगा यहाँ, ठीक है, फिर 3π/2 और फिर ये ऐसे आगे, है ना। तो हमें यहीं तक का चाहिए एरिया। तो हमारे पास चार सिमेट्री इस दौरान बन रहे हैं, सभी के एरिया इनके बराबर होते हैं, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, ये सब एक ही जैसे बनेंगे, है ना, बराबर रहेंगे सभी, ठीक है, चलेगा, सभी के एरिया बराबर होंगे। तो हम क्यों ना 0 से π/2 निकाल दें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। दो तरीके हैं, एक तो हम फंक्शन लेके चलें, है ना, फंक्शन को यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा और यहाँ फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, हम इसको 3 पार्ट में तोड़ें, है ना। इससे अच्छा है कि हम इसे क्या करें, सिंपली, है ना, इसे हम 3 पार्ट में तोड़ें, है ना, 0 से π/2, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 2π/4। इससे मतलब क्या, सीधे सी बात है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया सभी बराबर हैं। तो हम अगर इसका एरिया निकालना चाहते हैं 0 से 2π के बीच में, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 4 सिमेट्री एरिया बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4 सभी बराबर हैं ये। तो जो एरिया इसका होगा वही इन तीनों का भी होगा, तो इन्हीं में हम 4 से गुणा कर दें तो 0 से π/2 cos x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे ये एक इसका जो इतना होता है ये 1 यूनिट का होता है, ये पूरा राउंड जो होता है 2 यूनिट का होता है, तो 1 यूनिट ये, 2 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। लेकिन हम फिर से निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, तो 4 cos x का कितना होता भैया, sin x, है ना, इंटीग्रेशन इसका कितना होता, sin x, 0 से कितना, π/2 रख दीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो 4 आ जाएगा, sin π/2 यानी कि 1 - 0, तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 39 में डी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 40 के पास। 40 में हमें निकालना है 0 से π के बीच में, है ना, 0 से π तक एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x। एक काम करते हैं, y इक्वल टू x का पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिएगा, y इक्वल टू x का जो ग्राफ होगा ये एक मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, है ना, तो ये सीधा ऐसे जाएगी, यहां पे हमारे पास 0 है, यहां कहीं π/2 होगा और यहां कहीं पाई होगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, y इक्वल टू x प्लस साइन x। तो देखिए, x प्लस साइन x, हम एक काम करें, अगर इसमें पाई रख दें, क्या रख दें, पाई, तो साइन पाई के पहले 0 हो जाएगी, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, पाई, तो y में कहां तक जाना है, पाई तक जाना है, 0 से चल के पाई तक जाना है, तो यहां पे कहीं पे पॉइंट होगा और हमारा जो कर्व होगा ये कुछ इस टाइप का बनेगा ग्राफ, और ये आगे कंटिन्यू जाता जाएगा, है ना, ऐसे सेम बनता जाएगा। लेकिन हमें मतलब सिर्फ है 0 से 2π तक, 0 से π तक हमको यहीं तक का एरिया चाहिए, है ना, हमें ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए इन दोनों के बीच का, 0 से π के बीच में। तो इस एरिया को फाइंड करने का तरीका क्या है, हमारे पास एरिया इक्वल टू 0 से π हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अपर करो माइनस लोअर करो, अपर करो कितना दिया गया है, अपर करो ये है, ये वाला तो y बराबर x का है, और ये वाला जो कर्व है ये y इक्वल टू है x प्लस साइन x का, तो अपर करो क्या है हमारा, x प्लस साइन x, x प्लस साइन x माइनस लोअर कर्व x, ये dx हो गया, काट दीजिए, अरे ये x प्लस साइन x है, x प्लस साइन x है, ठीक है, ये आ गया 0 से π, ठीक है। अच्छा, 0 से π हो गया, वैसे देखो एक गोला बना है ना, 2 यूनिट का होना चाहिए, तो ये आ जाएगा x प्लस साइन x माइनस x, x x काट दीजिए, और ये हमारे पास dx बचा, कितना आ गया भैया, 0 से π, 0 से π, साइन x का क्या होता है, माइनस का cos x, माइनस को बाहर कर देना, cos x हो जाएगा 0 से π, रख दीजिए। अच्छा, कितना हो जाएगा भैया, माइनस को रखें बाहर, cos π माइनस 1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, कैलकुलेट करेंगे 2 स्क्वायर यूनिट,
टू स्क्वायर यूनिट, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 40 में ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन यहीं तक थे, कंप्लीट हुए। आपके इस सफर में हमारा जो योगदान और हमारा जो प्रयास जारी है वो जारी रहेगा, बस आपका प्यार हमें लगातार मिलता रहने चाहिए। अगर उसमें कंजूसी होगी तो थोड़ी सी दिक्कत है, है ना। यही मोटिवेशन है। आप सभी लगातार पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्रों को हमारे चैनल पे हल कर रहे हैं, अपने चैनल पे आप हल कर रहे हैं लगातार। इसके बाद हम जल्द ही 2003 को कंप्लीट करने के बाद 2001 कंप्लीट करेंगे, 1999 कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद YouTube के इकलौते चैनल होंगे जिन्होंने पिछले 12 सालों के प्रश्न पत्रों को YouTube पर शानदार अंदाज में हल करवाया है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।